हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अब्दुल रफी है। गर्मी की शिद्दत इतना ज़्यादा हो गई है और लाइट भी बार बार जा रही है, तो बहुत नाजुक सूरत हाल हो रही है भैया। तो ऐसी सिचुएशन को देख के जब भी हमें गर्मी लगती है तो हम जाते हैं फोर्थ मेन रूम, क्योंकि मरीज जो हमसे है वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, तो पहाड़ी सिलसिला जो हमारे बिल्कुल करीब है वो फोर्थ मेन रूम ही पड़ता है। वैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है फोर्थ मेन रूम के ऊपर, तो अब वो जगह मैं विज़िट करूँगा जहाँ पर पहले विज़िट मैंने नहीं किया। पहले हमें फातिमा जिन्ना पार्क हमने कवर कर लिया था, डैमिस लेक हमने कवर कर लिया था, त्रिमू लेक हमने कवर की थी और प्याला हमने कवर किया था, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टील ब्रिज भी हमने कवर कर ली थी। तो इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि उस जगह पे जाएं जहाँ पर हमने पहले विजिट नहीं किया हुआ, लेकिन इन जगहों को भी हम मिस नहीं करेंगे, इनको भी हम मुख्तसर सा आपको सीन्स दिखा देंगे। सो लेट्स द जर्नी बिगिन। वेलकम टू फोर्ट मेनरो। ब्रो सीन ये है कि एक साल में यहाँ इतनी डेवलपमेंट हो गई ना, पहले वहाँ पर सीढ़ियाँ थी ना वो बिल्कुल ऐसे खंडर की तरह थी, लेकिन अब ये VIP बन गई। पहले यहाँ तक सारा पानी होता था, पानी नहीं है, सारा ख़त्म कर दिया है, सीढ़ियाँ बना दी हैं और यहाँ पर झूले भी नहीं होते थे और ये भी नहीं होता था। मरी लाइट की वाइब्स आ रही हैं ब्रो। मैं ज़िंदगी में जितना दफ़ा भाई फोर्ट मेन रूम आया हूँ ना, इस पार्क में एक दफ़ा भी नहीं आया, और इसकी टिकट सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़ है। ये बाग डैमिस लेक के बिल्कुल साइड पे है। तो भैया जी आपको सीन्स चेक कराते हैं इसके। भाई साहब हैवी सीन है। I'm going down, bro. My hand is slipping. Oh my god. नथिया गली वाली वाइब्स आ रही हैं पूरी की पूरी, ऐसे लग रहा है कि हम नथिया गली आए हैं, लेकिन ये तो है मरीन लाइट। डैमिस लेक से हम सीधा गए फातिमा जिन्ना पार्क में। असल मज़ा तो हमें बादलों की एट खेलियों ने करवाया भैया। ओ भाई साहब बादल जमीन पे आ गए हैं। ओ माय गॉड ब्रो। ओके ओके भैया जी पार्क को साफ सुथरा रखें। ओके पार्क की सफाई करने आ गए हैं और इन्होंने ये पूरा का पूरा साफ कर दिया। गुड जॉब गुड जॉब। और कोशिश करें कि पब्लिक प्लेसेस को हमेशा साफ सुथरा रखें। फातिमा जिन्ना पार्क से जब नीचे उतरे तो एक नया गार्डन बना था, तो हमने कहा इसको भी हम कवर कर लेते हैं। Where there is a way. इबादुर रहमान इज ऑन स्काई हाईवे। सीसा ओ माय गॉड ब्रो, हम ना इतने बड़े से बच्चे छोटे बच्चों के झूले तोड़ रहे हैं। घूमना तो एक बहाना था, असल में मामू ने मानी ब्रो की शादी की दावत दी थी, वो भी फोर्ट मेन रूम में, तो मैं और वालिद साहब गए सीजी बनवाने, क्योंकि फोर्ट मेन रूम आए और आपने सीजी नहीं खाई तो भैया आप फोर्ट मेन रूम आए ही क्यों।
वन नाइट स्टे था हमारा एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग सीन्स कुछ ऐसे थे। लास्ट वीडियो में एक जगह का मैंने नाम मेंशन किया था जो वक्त की किल्लत की वजह से हम वहाँ पर विज़िट नहीं कर पाए, लेकिन इस मरत हमने सोचा कि हम वहाँ पर लाजमी जाएंगे और वो जगह थी अनारी हिल्स। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सफ़र है यहाँ पे हुकूमत को अच्छी तरीके से रोड बनाना चाहिए, यहाँ लोग मर जाते हैं। ये जो डाले पे हम जा रहे हैं यहाँ रोड दिखाएँ अब्दुल रहा पे देख रहे हैं ये रोड, मतलब कि हुकूमत तो यहाँ पर ज़रा भी खाली आँख भी उठा के नहीं देखती है, मतलब कि ये क्या हो रहा है। हुकूमत को चाहिए पैसा दे, फंड दे, लोगों के जीना का आसानी करे। ये देखिए ये इमरान खान लाइट आ गए हैं यहाँ पे। मैं सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं जब इस यहाँ का प्राइम मिनिस्टर दोबारा इलेक्ट होगा वोट पर रुको रजा दूंगा मैं, इतने पैसे दूंगा, इतने मेरी बात सुने। पैसा जो है डेवलपमेंट का सबसे बड़ा राज होता है। ओके मैं दूंगा पैसा वोट मंडरों को, ये रोड ये देखे शबाज शरीफ जैसा करप्ट आदमी, वो जब पैसा वो डेवलपमेंट के लिए तो आधा तो देता है आधा खुद खा लेता है। मैं बस कर पकले बस कर बस आप कोनारी हिल्स के सीन्स चेक कराते हैं ब्रो। अनारी से वापस आकर हम गए सीधा त्रिमू लेक पे। एक ये भूत है। हाँ ब्रो कैसा सीन है? मजा आ रहा है। अभी जा रहे हैं अंदर। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं भूत बंगले में। ओह माय गॉड। चलो। चस आ गए कि नहीं? और शाम को हम चले वापस अपने घर। मामे दे नारे।